रायगढ़ में जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के निर्देश के अनुसार जिला मुख्यालय के तहसील कार्यालय में आम जनता की समस्या और राजस्व विभाग के रुके कार्यों को त्वरित निस्तारित करने के लिए आज विविध शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोगों ने भाग लिया और शिविर का लाभ उठाया। शिविर के दौरान SDM तहसीलदार और पटवारी एक ही स्थान पर मौजूद रहे। शिविर में आम जनता के लिए खाता विभाजन, नामांतरण, किसान किताब, आय प्रमाण पत्र, डिजिटल हस्ताक्षर व अन्य राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया। रायगढ़ से महेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। आज 23 तारीख को रायगढ़ तहसील में राजस्व विभाग से संबंधित जितने भी समस्या है आम लोगों का, उनका निराकरण शिविर रखा गया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि शिविर में लोग भारी मात्रा में, हजारों की संख्या में आकर के अपने समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। लोग यहां पर नक्शा खसरा B1 की प्रति प्राप्त कर रहे हैं, द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्राप्त कर रहे हैं। नामांतरण हो, चाहे बंटवारा हो, सीमांकन हो, चाहे डाइवर्सन टैक्स को पटाना हो, चाहे भूअर्जन मुआवजा राशि प्राप्त करना हो, आय जाति निवास यहाँ पर ऑन द स्पॉट वितरण किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से राजस्व विभाग की समस्त सेवाएं आज एक ही छत के नीचे सभी आ रही पटवारी, सभी राजस्व अधिकारी, तहसीलदार सब इकट्ठे होकर के लोगों को प्रदान कर रहे हैं। अभी तक ऐसे कितने प्रकरणों का निराकरण हो चुका है जो काफी लंबे समय से बचे हुए थे, जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा था? निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि कई लोग से मैं व्यक्तिगत रूप से मिल रहा हूं, तो उनका कहना है कि हम कई वर्षों से ऋण पुस्तिका के लिए घूम रहे थे, कई वर्षों से हमारा रिकॉर्ड अपडेशन नहीं हो रहा है, कई वर्षों से हम चक्कर काट रहे हैं अधिकारी कर्मचारियों का, लेकिन शिविर में आने के पश्चात उसको चंद मिनट में ही उसको समाधान प्राप्त हुआ है और वो अपनी साथ एक मुस्कान लेके जा रहा है, जो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तक लगभग 500-600 लोगों को हमने सेवाएं प्रदान कर चुके हैं और ये शाम तक हम लगभग 2-3 हजार निराकरण की ओर अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। सर, कुछ दिन पहले अभी रेलवे जो कॉरिडोर के अंतर्गत जो भूमि स्वामी थे किसान, वो अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपे कि वो अपनी जमीन देना नहीं चाहते, उनके विषय में कोई निराकरण या कोई फैसला अभी तक? चूंकि देखिए ये भूअर्जन का मामला है और इस पे सुनवाई करने की आवश्यकता है। रेलवे कॉरिडोर बनना है, उसके लिए भूअर्जन का प्रस्ताव है और भूअर्जन में जिन किसानों का जमीनें जा रही है उससे आम सहमति पश्चात ही भूअर्जन की आगे कार्रवाई होगी। तो ये 1-to-1 सुनवाई करने के पश्चात ही तय होगा कि इस पर क्या निर्णय कर सकते हैं।